टुक टुक टॉक शो देखने वाले सभी दोस्तों को विश्वजीत सोनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे सामने टुक टुक टॉक शो में है पांचों माड़ू कच्ची माड़ू प्रेम जी भाई, आज आपका हमारे टुक टुक टॉक शो में स्वागत है। जय श्री कृष्ण। आपसे एक सवाल है, आप मेहनत बहुत करते हो, तो बताइए आपने कितनी मेहनत की यहां तक पहुंचने के लिए? काफी मेहनत की आपने, तो ये दर्शकों को बताएं। हाँ, अभी जैसा आपने बात किया ने कि हम कच्ची लोग जो है वो बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके पैसा कमाता है हम लोग जो है ने, तो मैं मेहनत के बारे में मैं बतावे ने, तो मैं जब छोटा था ने तो मैं कच्छ में रहता था, तो कच्छ में मेरा दादी है ने, दादी उसके साथ रहता था, तो मैं ने उधर में कच्छ में खेतर में भी काम किया। बोलो, खेतर में काम किया ने मैंने? हाँ, खेतर में मैं भूतड़ी निकालता था। ऐसा भूतड़ी निकालते हैं ने, भूतड़ी मतलब सिंगदाना, वो भूतड़ी निकालता था और मैं पूरा गोनी भरता था, तो एक गोनी का है ने मेरे को 7 रुपया मिलता था, एक गोनी का 7 रुपया। सुबह मैं गमेला लेके जाता था, हमारे में ऐसा गमेला होता है ने वो लेके जाने का, और उसमें ऐसा भूतड़ी निकाल के है ने वो ऐसा गोनी में ऐसा पलटी करने का ने, तो 7 रुपया मिलता था मेरे को रोज का। तो ऐसा बहुत काम किया है। फिर खेतर में मैं हौसला भी करता था। हाँ, हौसला करते हैं ना ऐसे, सब जो बात का माल जो बच जाता है ने तो ऐसा चुनना पड़ता है, तो उसका थोड़ा कम पैसा मिलता था। ऐसा बहुत काम किया मैं। हाँ, और एक सवाल, आप खाने पीने के बड़े शौकीन होते हो? हाँ, खाने पीने के बारे में है ना हम लोग बहुत शौकीन हैं। ये आपने बराबर बोला कि हम लोग खाने पीने के बारे में बहुत शौकीन हैं। वो हम लोग को है ना सबसे पहले तो चाहिए खिचड़ी, नहीं दाल भात नहीं, खिचड़ी खाते हैं हम लोग। खिचड़ी उसके साथ डूंगरी, डूंगरी बोलेगा तो कांदा होता है ना, उसको हम लोग डूंगरी बोलते हैं, लेकिन डूंगरी को है ना हम लोग ऐसा छुरी से और चाकू से नहीं काटते हैं, उसमें मजा नहीं आता है ना। उसको हम क्या करते हैं, धच मारते हैं, रख के ऐसा मूठ मारते हैं, ऐसे धच मतलब ऐसा मूठ, ऐसा मारते हैं ना तो फच करके कांदा है ना ऐसा फच करके उड़ता है ऐसा, तो उसमें जो मजा आता है ना यार, पूछो क्या बात है, मजा पूछो नहीं क्या मजा आता है। आप उपवास भी बहुत रखते हो प्रेम भाई, मैंने आपको उपवास रखते हुए ज्यादा देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि आप वैसे इतना नहीं खाते हो प्रेम जी भाई, जितना आप उपवास में ज्यादा खाते हो, ये मैंने अक्सर देखा है। हाँ, हम लोग खाते भी इतना है, उपवास भी बहुत रखते हैं। हम लोग में जो उपवास रखते हैं ना वैसा कोई लोग उपवास नहीं रखते। हम लोग का उपवास फरार बोलते हैं ना, फरार वो चालू ही रहता है। उपवास में हम लोग खाते हैं, फिर काजू पिस्ता खा लेते हैं, केला खा लेते हैं, नारंगी मौसम्बी जो भी आया केला ऐसा फरार करते हैं ना, तो वो सब खाना पड़ता है। उपवास तो हम लोग का हफ्ते में 2-3 तो देखो, शनिवार मैं रखता है, मैं मंगलवार रखता है, फिर मैं गुरुवार रखता है, 3 उपवास तो मेरा हो जाता है, कैसा भी करके है ना हो जाता है। अच्छा, ये बियर क्या होती है, कच्ची बियर, इसके बारे में बताएं। हाँ, बियर नहीं पीते हम लोग है ना, कच्ची बियर पीते हैं। कच्ची बियर होता है ना, कच्ची बियर मालूम नहीं है तेरे को? कच्ची बियर होता है ना, वो कच्ची बियर छाछ होता है ना, छाछ, उसको हम लोग कच्ची बियर बोलता है। देखो, हम लोग को है ना खाना मिले या ना मिले चलेगा, लेकिन कच्ची बियर है ना वो हमारा एकदम मन पसंद है। कच्ची बियर तो हमको चाहिए, उसके बिना हमारा खाना हजम नहीं होता है। हाँ, तो वही बोला ना, खिचड़ी हमको चाहिए, और खिचड़ी के साथ हम लोग ऐसा गाठिया भी खाता है ना, गाठिया पापड़ा वो सब चाहिए हम लोग को, नहीं तो उतरता नहीं। सुबह नाश्ते में भी है ना, नाश्ते में भी हम लोग को चाय के साथ ऐसा
गाठिया चाहिए, पापड़ी चाहिए, डूंगरी चाहिए, तो थोड़ा है ना चाय पीने का जो मजा है ना मजा आ जाता है। फिर चाय पीने का हम लोग का अलग ही है। हाँ तो ये सब क्या होता है सर? अच्छा, आप बर्गर और पिज्जा तो कभी नहीं खाते हो, उसका कभी आपके मुंह से नाम ही नहीं सुना बर्गर और पिज्जा का। तो तुम्हारे इधर बोलता है ना पिज्जा, पिज्जा बोलता है ना, तो हमारे इधर पिज्जा का बाप है, जो बाजार का रोटला है ना वो पिज्जा का बाप है। हाँ, और तुम्हारे इधर क्या बोलता है, बर्गर ने बर्गर, तो हमारे इधर है ना बर्गर का भी दादा है, डाबेली। इधर बर्गर खाता है तो हमारे इधर डाबेली खाता है। एक बार कच्छ में आके डाबेली खाओ, तुम ये बर्गर भूल जाएगा, बाजार का रोटला तो खाओ पिज्जा भूल जाएगा। और तुम्हारे यहाँ वो क्या बोलता है सेजवान खाता है ना सेजवान, तो हमारे इधर है ना लाल चटनी खाता है, लाल चटनी, लाल चटनी खाएगा ने तो उससे क्या है जलन होता है, खाते वक्त जलन नहीं होता है, खाते वक्त जलन नहीं होता है, सुबह बहुत जलन होता है, लेकिन हम जाके खेतर में चला जाता है हमारा पूरा जलन निकल जाता है। उधर खेतर में जाता है ना फिर सब, खेतर है ना हमारा खुला हवा में एकदम, हाँ घूमते है ना ऑक्सीजन मिलता है। अच्छा एक बात और बोलेगा मैं, देखो कच्छी लोग हैं ने मेहनत करता है, कुछ भी बेचेगा, कपड़ा बेचेगा, गाठिया बेचेगा, डाबेली बेचेगा, पापड़ी बेचेगा, फरसन बेचेगा, कोई भी धंधा करेगा, लेकिन कभी है ना तुम कच्छी आदमी को भीख मांगते हुए नहीं देखा है। कच्छी आदमी कभी भीख नहीं मांगता है किसी से, मालूम है क्यों? क्योंकि उसको कच्छी आता है ना। और जो आदमी कच्छी नहीं है, जो आदमी कच्ची नहीं है, अगर उसको भी कच्ची आता हुए ना तो वो भी जिंदगी में कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगेगा। ये पावर है हम लोग के पास। तो आज हमारे साथ थे प्रेम जी भाई, कच्ची माड़ू पांजो माड़ू प्रेम जी भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारे टुक टुक टॉक शो को समय दिया, अपना कीमती टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी आपके साथ बात करने का है ना बहुत मजा आया, आनंद आया। जय श्री कृष्ण। तो आपको ये शो कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको हमारा ये शो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।